हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो कि आपके आगे आने वाले कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित है, उस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और यहाँ पर हमारे पास पूरा जो मैटर किस टाइप में रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास डेली के मैं आपको 5 ऐसे वर्ड बताऊंगा जो थ्योरी से संबंधित होंगे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मैं आपको पूरी ABCD जो होती है ना, ए से लेकर जेड तक, ठीक है, वो कंप्लीट मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगा। डेली के हमारे पास टारगेट रहेगा भी, डेली के मैं आपको 5 वर्ड तो ये लिखवाऊँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास टॉपिक जो रहेगा वो तो कंपलसरी है ही, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई या फिर क्लास के एंड में हम क्या करेंगे, 5 हम ऐसे वर्ड लिखेंगे जो आपके काम आने वाले हैं, जिनको आप बार बार पढ़ोगे तो क्या है, थ्योरी के अंदर किसी प्रकार की आपको क्या दिक्कत नहीं होगी फिर, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है, टॉपिक हम कवर करेंगे, ये तो आपको पता ही है कि टॉपिक साथ साथ में कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही हमारे जड तक ये कंप्लीट होते हैं, 5-5 वर्ड हम डेली के करेंगे तो जड तक मान लीजिए 4-5 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रोज़ाना आपको मैं क्या है, 5 ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके आगे आने वाले कोई भी एग्जाम है उसके अंदर जो फॉर्मूले बेस पे कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप आसानी से क्या है उनको कर पाओ, ओके। ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, रोज़ाना 5 करेंगे ये मैं कन्फर्म आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसा सोचो भी इन फॉर्मूले को भूल जाए, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे उन फॉर्मूले को, ठीक है। ये पूरा मेरा दावा है आपसे, भी आपकी कोशिश तो रहेगी भी इन फॉर्मूले को मैं भूल सकता हूँ क्या, देखते हैं ट्राई करके, आप ट्राई भी कर लेना लेकिन आप उन फॉर्मूलों को नहीं भूल पाओगे, ठीक है, ये बिल्कुल दावा है। उसके बाद डेली के जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण जो पर्सन बनेंगे वो भी मैं आपको क्या है डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, चाहे वो कितने भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो, कोई भी हो हमारे पास हो, वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे, पहले तो 5 वर्ड, उसके बाद हमारे पास रहेगा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो 5 वर्ड क्या रहेंगे, और ABCD के ए से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, ऐसे बीच बीच में नहीं होगा, ABCD का जो ए वर्ड है उससे ही शुरू करेंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में 1 या 2 पेज स्टार्टिंग वाले छोड़ देना, ठीक है, जो भी आप नोट्स बनाओ उनमें क्या करोगे, स्टार्टिंग के 1 या 2 या 3 पेज भी आप छोड़ोगे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग के 2-3 पेज आप छोड़ दो, उनके अंदर जो पहली मैं बात बता रहा हूँ वो आप सभी को लिखनी है, ठीक है। देखिए, आप सभी को पता है ABCD के अंदर हमारे पास क्या होता है, ए से हमारे पास क्या बनता है, ए से सभी ने सुना है A for Apple, ठीक है, ये सभी को पता है, लेकिन हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास ए से रहता है एम्पियर, ठीक है ना। अब एम्पियर तो मैंने बता दिया, अभी ए से एम्पियर हमारे पास होता है, ठीक है, अब ए से एम्पियर जो होगा तो एम्पियर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें साथ साथ में चर्चा ये करनी पड़ेगी भी एम्पियर जो हमारे पास है वो होता क्या है। देखिए, तो ए से एम्पियर हो गया, एम्पियर होता क्या है, आप अलग से लिख सकते हो धारा की SI इकाई होती है एम्पियर, ठीक है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, ठीक है ना। जिसको जल्दबाजी है बिल्कुल वो ज्वाइन ना करें चाहे, ठीक है, मैं मेरा जो सिलेबस है बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे, ओके, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। ए से होता है एम्पियर, बी से आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। अब बी से आप सभी को पता है बोल, अब वो बोल वगैरह भूल जाइए, वो हमारे कोई काम का नहीं रहा, अब हमारे काम का जो है वो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित टॉपिक, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, चुंबकीय, ये मैं पहले ही आपको याद करवा रहा हूँ ताकि आगे हम इन टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको एकदम याद हो जाए, हाँ बी हमारे पास वो पॉइंट था, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। आप ये मत समझना भी सर आपने बी से हमारे पास यहाँ पर एम से है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बी को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया।
बस इसकी एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इकाई आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पूरी बार बार मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, ठीक है, बस इतना आप लिखो। उसके बाद देखिए सी, सी फॉर कैट नहीं होता है भाई, ठीक है ना। सी फॉर हमारे पास क्या होता है, सी फॉर हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का नाम आप सभी ने सुना होगा, कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं धारिता, ठीक है। कैपेसिटर से बनता है कैपेसिटेंस, ठीक है, धारिता जिसे बोलते हैं। और धारिता जो हमारे पास है, धारिता का फॉर्मूला भी आप सभी को पता होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर धारिता का फॉर्मूला जो क्या रहेगा, C बराबर क्यू बटा वी, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, धारिता का। देखिए साथ साथ में नई नई बातें भी मिल रही है आपको। उसके बाद हमारे पास सी के बाद क्या रहेगा, डी, डी फॉर डॉग नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे पास इसके अंदर डी फॉर डॉग नहीं होता, तो आप सभी को पता होना चाहिए थ्योरी के अंदर हमारे पास डी जो है उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। थ्योरी के अंदर जी जो हमारे पास डी रहेगा, ये क्या रहेगा, ये रहेगा विद्युत या फिर विद्युतीय, ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है ना। ये हमारे पास था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये हमारे पास है विद्युतीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, याद रखोगे। अब बात करें इसकी इकाई भी साथ में लिखनी जरूरी है, इसकी लिख ली तो इसकी भी लिख देते हैं। इसकी इकाई हमारे पास क्या रहेगी, विद्युतीय फ्लक्स घनत्व की इसकी इकाई हमारे पास होती है कूलाम बटा में मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, जहाँ पर घनत्व नाम आएगा ना, घनत्व नाम आएगा मतलब बटे में हमेशा मीटर स्क्वायर आएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट वर्ड ये है ई, ई क्या होता है, ठीक है ना। ई हमारे पास क्या होगा, इसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। देखिए ई हमारे पास होती है विद्युतीय तीव्रता, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होती है, विद्युतीय तीव्रता, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं साथ में। देखिए इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसे ई से लिखते हैं। तो ये हमने क्या, आज हमने ये पांच वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, जो आप अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले जो आपने तीन चार पेज जो छोड़ रखे हैं उनके अंदर अच्छे तरीके से इनको आप मेंशन कीजिए। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे, ठीक है ना। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, चैप्टर का नाम क्या है, कहाँ से शुरू करेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लिखिए डेली के, मैं आपको रूटीन वाइज पाँच पाँच वर्ड हम डिस्कस करेंगे, तो ये कन्फर्म है आपको जब हमारी थ्योरी कम्प्लीट होगी तो अपने आप ये वर्ड निकलेंगे आपके मुँह से, ठीक है ना, तो अपने आप निकलेंगे ये, ओके। चलिए तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया है वो क्लास को रोक कर आराम से नोट कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा हम वैसे टाइम वेस्ट आपका नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिखोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक जो आज हम शुरू कर रहे हैं, टॉपिक क्या, चैप्टर ही हमारे पास शुरू रहेगा सबसे पहला। ये चैप्टर हमारे पास आगे आने वाले चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो चैप्टर रहेगा वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी फेवरेट रहता है। अभी अगर आप सभी ने देखा होगा रेलवेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ के अंदर तो ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है। रेलवेज़ के अंदर ग्रुप डी के कोई एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। उन एग्ज़ाम के अंदर आज का ये चैप्टर हम जो शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर से 4% कन्फर्म आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक तो नॉन टेक्निकल का जो साइंस का बैकग्राउंड है वो भी कवर हो जाएगा, दूसरी बात आपकी थ्योरी जो है उसका जो थोड़ा सा लेवल है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, हमारे पास चैप्टर कौन सा रहेगा, चैप्टर रहेगा डीसी सर्किट, ठीक है ना। डीसी सर्किट के अंदर कौन कौन से हमारे पास पैरामीटर होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा होगा सभी को, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके है। चलिए डीसी सर्किट के अंदर हमारे पास क्या क्या पॉइंट रहेंगे, डीसी सर्किट सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए डीसी और एसी के अंदर ऐसा क्या भेद होता है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे जब हम एसी सर्किट शुरू करेंगे ना,
तब मैं आपको एसी और डीसी का डिफरेंस बताऊंगा डिटेल से। यहाँ बस छोटा सा पॉइंट हम लिखेंगे। डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट है भाई ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहता है? एकदम डायरेक्ट करंट रहता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा हिंदी में बोलते हैं, बस आप ये ध्यान रखो डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, एकदम बिल्कुल सीधा चलता है करंट ये, ठीक है, चेंज नहीं होता। अब देखिए डीसी करंट के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डीसी के अंदर इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले करंट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे आवेश के बारे में, उसके बाद हमारे पास वोल्टेज के बारे में, फिर हमारे पास पावर के बारे में, फिर हमारे पास प्रतिरोध के बारे में, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में, फिर हमारे पास हीट के बारे में, फिर हमारे पास ओम का नियम है, ठीक है, उसके बारे में, फिर हमारे पास क्या रहेगा केवीएल केसीएल के बारे में। ये कुछ टॉपिक हम क्या है डिस्कस करेंगे। और आप सभी ने देखा होगा ये सारे पॉइंट जो है वो ये पॉइंट सारे साइंस में आपने अगर 10th क्लास की आपने साइंस पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है ना, इसमें कोई बात ही नहीं है। सभी ने 10वीं क्लास की साइंस पढ़ी है, उसमें 13वां चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट थे, ओके। तो ये पॉइंट मैं आपको आज एक बार फिर से अच्छे तरीके से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम करंट से, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा धारा के बारे में, करंट के बारे में क्या होता है, ठीक है, करंट ऐसी क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत कुछ नया सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, हर एक पॉइंट आपको नया सीखने को मिलेगा, एक एक का पॉइंट जो आपको मैं कह बिल्कुल डीप से और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है हम डिस्कस कर रहे हैं करंट के बारे में, ठीक है। करंट जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो धारा, ठीक है। धारा तो आप सभी को पता है, पानी की भी धारा बोलते हैं, पानी की धाराएं चल रही है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सर्किट के अंदर पानी की तरह ही क्या है, करंट चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके अंदर क्या है, पानी की तरह क्या है, हमारे पास करंट चलता है सर्किट के अंदर, तो उसे हम धारा बोल देते हैं, ठीक है, उसे हम करंट बोल देते हैं। तो अब होता क्या है, देखिए करंट हमारे पास, और इस करंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, करंट को हम लिखते हैं आई, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और आपको ABCD का वर्ड सीखने को मिल गया, आई फोर अब आइसक्रीम नहीं होता, आई फोर हमारे पास क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, याद रखिए, आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। करंट हमारे पास होता क्या, देखिए इसकी परिभाषा कई बार एग्जाम में वैसे आपको देखने को मिल जाती है, बाकी आप लिख भी सकते हो परिभाषा इसकी क्या होती है, इसकी ध्यान से देखिए किसी भी, और परिभाषा कई बार आप पढ़ते हो उसकी परिभाषा, अधूरी परिभाषा पढ़ लेते हो, ठीक है ना, उससे आपको अधूरा ज्ञान भी मिलता है, वो सही नहीं होता। हमेशा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखना अपनी लाइफ के अंदर। कभी भी आप कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसको पूर्णता से ज्ञान प्राप्त करो, आप अधूरा ज्ञान प्राप्त मत करो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया भी, किसी भी बंद परिपथ में, यहां पर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि सीधा पढ़ लेते हैं भी किसी भी परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, ये सही नहीं है बात है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन कब प्रवाह होंगे, धारा कब प्रवाह होगी, जब हमारे पास सर्किट क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, तभी हमारे पास प्रवाह हो सकती है, नहीं तो क्या है, बंद परिपथ के बिना क्या है, करंट फ्लो नहीं हो सकता, परिपथ बंद होना जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। एक तो परिभाषा आप सभी को ये याद रखनी है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है और आप सभी को पता भी होगी, आप सभी ने बार बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। दूसरी हमारे पास इसकी क्या परिभाषा होती है उसके बारे में देखिए, दूसरी परिभाषा हमारे पास क्या होती है, ध्यान से पढ़ना, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, किसी परिपथ में, ठीक है, परिपथ में आवेश की दर को, ठीक है, किसी परिपथ में आवेश की दर को धारा कहते हैं,
अब आप सोचोगे ये क्या लिख दिया सर, ये तो हमें कम ही समझ आया, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, चिंता मत करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, किसी परिपथ में आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब ये है क्या, देखिए आवेश की दर, आप सभी ने सुना होगा करंट का फॉर्मूला। ठीक है, करंट का फॉर्मूला देखिए, करंट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आई बराबर, एक तो आप सभी को पता है वी बटा में आर होता है, ये बच्चे बच्चे को फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया, नहीं हुआ तो बस एक आप क्या करोगे, एक आप त्रिभुज बनाइए छोटी सी, ठीक है, एक आप अपनी कॉपी के ऊपर साइड में कोने में कहीं पर ऊपरी ऊपर बनाओ, त्रिभुज बना लो, ठीक है, इस तरह की ये ट्रायंगल बनाओ और इस टाइप में बनानी है आपको। इसमें क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखो सबसे पहले V, नीचे लिखो सबके बाद में हमारे पास I रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा R रहेगा। बस आपके माइंड में एक बार ये त्रिभुज छप गई ना, तो आप ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर बन रहे हैं, तीन फॉर्मूले बन रहे हैं, वो तीनों फॉर्मूले आप नहीं भूल पाओगे, और आप भूल के दिखा दो फिर, ठीक है, ये मेरा दावा है। देखिए वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई आर होता है, सभी को पता है। करंट निकालना है तो करंट को हम इसे ढक लेंगे, करंट को ढको और वी बटा में आर होता है। अगर हमें प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध को ढक लो भाई, वी बटा में आई। ये तीनों फॉर्मूले यहां से आपके कवर होते हैं, और ये मैंने आपको बताया आई बराबर, अब आपके दिमाग में जाएगा आई बराबर वी बटा में आर होता है जी, समझ में आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे पहला, यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक एक में आपको। हमेशा मेरा रूटीन यही रहता है, मैं कोई फॉर्मूला मैं लिखता हूँ उस फॉर्मूले के बारे में डिटेल से मैं आपको बताता हूँ भी क्या इसकी इकाई रहती है, क्या क्या हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, वोल्टेज, तो हम ऊपर लिखेंगे ये हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज होती है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज होती है। बटा में हमारे पास R है, तो R को हम क्या बोलते हैं, R को हम बोलते हैं जी प्रतिरोध, ठीक है, R हमारे पास होता है प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज की इकाई आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्टेज की इकाई हमारे पास होती है वोल्ट, और प्रतिरोध की इकाई हमारे पास क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इकाई हमने बनाई है, ये अपने आप नहीं बनी हुई थी, ये हमने इस इकाई को यहां से ड्राइव किया है, तो ये जो इकाई हम बनाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न यूनिट, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्युत्पन्न यूनिट बोलते हैं, व्युत्पन्न इकाई बोलते हैं इसे हम। ठीक है, और एक हमारे पास होती है एस आई यूनिट, वो अलग होती है, एक होती है एस आई जो स्टैंडर्ड होती है, एक हमारे पास होती है व्युत्पन्न यूनिट जो हम इस तरह से बना सकते हैं आगे। ओके, समझ में आई बातें। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हुआ धारा के बारे में, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला एक और, जो ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये इस लाइन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर दर लिखी हो ना, दर हमेशा क्या करते हैं, दर हमेशा हम हमेशा बटा में लिखते हैं, और बटा में दर का मतलब क्या होता है, टाइम रहेगा। ठीक है ना, अब हमारे पास किसी भी परिपथ के अंदर आवेश, आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में आवेश की दर को, आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। क्यू हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे हम आवेश ही बोलेंगे, आप सभी को पता ये तो। ठीक है, बटा में हमारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम को हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है समय बोलते हैं जी टाइम को। ठीक है, ये हमारे पास आवेश बटा में समय हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर फिर से देखिए एक और इकाई हम व्युत्पन्न कर रहे हैं, ना कि ये ऐसा इकाई नहीं है, ये हम व्युत्पन्न कर रहे हैं इकाई करंट की। तो आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई आप बोलोगे जी कूलाम होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास समय की इकाई क्या होती है, समय की इकाई आप बोलोगे जी समय की इकाई तो सेकंड होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और इकाई निकल गई, कूलाम बटा में सेकंड, ये किसकी इकाई है, ये भी करंट की इकाई है, ये भी करंट की इकाई है यहाँ पर भी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, वो देखिए नेक्स्ट जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, जो करंट है, जो धारा है, इसकी एस आई इकाई एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो धारा की एस आई इकाई जो है, एस आई इकाई क्या होती है, आप सभी को पता होगा,
मैंने आपको आज ही सबसे पहले बताया ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एम्पियर होता है। तो धारा की SI इकाई हमारे पास क्या रहेगी, एम्पियर रहेगी, ठीक है ना। धारा की SI इकाई क्या होती है हमारे पास, एम्पियर होती है। ओके, ये आप सभी इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है एम्पियर, या फिर हम इसे AMP से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या लिखते हैं, AMP से। तो ये हमारे पास SI इकाई होती है धारा की। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक बिंदु, दो, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच पॉइंट बताए हैं। इन पांचों पॉइंट में आपको किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इस लाइन के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं आपको बंद परिपथ की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, बंद परिपथ में क्या होता है और ओपन परिपथ में क्या होता है, अगर खुला परिपथ हो तो क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है करंट से ही संबंधित है, करंट से ही संबंधित होगा, ठीक है ना, हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप इनको वीडियो को रोक कर, या फिर आप क्या लगातार आप लिख रहे हो कि वैसे साथ साथ में मत लिखा करो। एक खास बात होती है, कभी भी आप क्या है साथ साथ में मत लिखा करो, साथ साथ में लिखोगे तो लिखने में ध्यान ज़्यादा होगा, फिर याद करने में ध्यान आपका, समझने में ध्यान कम होता है हमेशा, ठीक है। इसलिए मेरी तो आपसे यही बात रहेगी कि आप जितना मैंने पॉइंट करवा दिया आप वहाँ पर वीडियो को रोक लो, ठीक है, पॉज करके फिर आप क्या लिखो, उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ो, ये बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या है डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट हमने आप सभी को बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास बंद परिपथ की बात जो चल रही है, ये है क्या बंद परिपथ, ठीक है, या आखिर बंद परिपथ में ही करंट क्यों फ्लो होता है, खुले में क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है, ओपन परिपथ है तो उसके अंदर धारा क्यों नहीं फ्लो हो रही, चलो देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, इस तरह से एक मैंने सर्किट ले लिया और यहाँ पर हमारे पास एक मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, प्लस और माइनस, ठीक है, यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं, ओके, और ये हमारे पास है वोल्टेज सोर्स, वी से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास आर होता है प्रतिरोध, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से भी। अब ये सर्किट देखो खुला है, यहाँ से ओपन है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये हमारे पास ओपन सर्किट है, ये ठीक है, ये हमारे पास ओपन सर्किट है। अब क्या हुआ देखिए, जैसे ही हमने यहाँ से वोल्टेज दी, वोल्टेज देने के बाद करंट आएगा आएगा आएगा, आगे यहाँ तक आएगा। अब ये तो है नहीं यहाँ पर आने के बाद करंट छलांग लगाएगा और छलांग लगाने के बाद इस पर कूद जाएगा, ऐसा तो करंट के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होती भी करंट क्या है छलांग लगा सके, ठीक है, ऐसे हमने कभी भी आज तक किताबों में नहीं पढ़ा, ना किसी को पढ़ाया आज तक भी करंट छलांग लगा के भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, ना कभी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, करंट हमेशा छलांग नहीं लगाता, आप सभी ध्यान रखिए, करंट हमेशा अगर ये सर्किट क्लोज है तो यहाँ से आसानी से फ्लो होगा। अब ये ओपन है, ओपन है तो आप करंट की वैल्यू कितनी बताओगे इसके अंदर, आप बोलोगे जी करंट तो इसमें जीरो है, ठीक बात है, बिल्कुल करंट हमारे पास इस सर्किट में क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास सेम वही बात है, हमारे पास प्लस और माइनस, ये हमने एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, ये हमारे पास एक बल्ब है, ओके, बल्ब के एक तार ये है, एक तार ये है बल्ब का, दो तार है, दो तार होते हैं आप सभी को पता है, इस तार को हमने यहाँ से जोड़ दिया और इस तार को हमने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये सर्किट देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद है, कहीं पर भी खुला दिखाई दे रहा है नहीं है ओपन, तो अब हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास प्रतिरोध है, तो यहाँ से पॉजिटिव से हमेशा करंट निकलेगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव में हमेशा आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जो बल्ब है वो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाता है बल्ब, हमारे पास प्रकाश देना शुरू होगा, और इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है क्लोज, यानी कि बंद परिपथ होता है, और इस बंद परिपथ की कंडीशन के अंदर करंट की वैल्यू आपको पूछ ले, बताओ भी करंट कितना है, अब हमारे पास इनकी वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्ट करंट कैसे बता सकते हैं कितना करंट है, तो करंट तो हमारे पास अनंत भी हो सकता है, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, अगर हमारे पास करंट है इसकी इनकी वैल्यू नहीं है तो करंट इस कंडीशन में क्या होगा,
करंट इस कंडीशन में अनंत तक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी को ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हमारे पास क्लोज सर्किट हो तो करंट हमारे पास अनंत बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो हाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में करंट हमारे पास हाई होगा, और अगर हमारे पास ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगा, शून्य होगा। तो ये होता है क्लोज सर्किट, ये होता है ओपन सर्किट। यही बातें यहाँ पर थी। करंट की परिभाषा क्या है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में बोलते हैं, कभी भी ओपन सर्किट में थोड़ी बोलते हैं करंट को। इसीलिए यहाँ पर ये नाम सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस परिभाषा के अंदर, ठीक है ना। किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, समझ में आई होगी यहाँ तक बातें, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये आप याद रखना भाई, ये मैं बता रहा हूँ, ये याद रखो, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे हमारे पास एक तो करंट की बात कंप्लीट होगी, एक हमारे पास वोल्टेज की बात कंप्लीट होगी, एक हमारे पास प्रतिरोध की बात कंप्लीट होगी। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा इनके सभी को मिला के, वो स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी फिर, ठीक है ना। उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर करंट है क्या, ठीक है। अभी तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ वैसे आ ही गया होगा करंट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, आप सभी को करंट फ्लो होने की बात चलती है। अभी करंट फ्लो होता है, फ्लो होता है, ठीक है, कैसे फ्लो होता है। देखिए, हमेशा हमारे पास ये है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, आप सभी देख ही रहे हो। ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है ना। बैटरी का बड़ा सिरा होता है पॉजिटिव और छोटा सिरा होता है हमारे पास नेगेटिव, सभी को पता है, ठीक है। अब ये देखिए, आपके पास कोई एक टैंक है, ठीक है ना, कोई आपके पास एक टैंक है, टंकी है, ठीक है, जिसमें आपने पानी डाल रखा है, ठीक है ना। ये टंकी है जिसमें आपने पानी डाल रखा है, फुल पानी है इसमें। और दूसरा एक और आपके पास टैंक है, ठीक है, जिसमें भी आपके पास पानी है, लेकिन इसमें कम पानी, इतना ही पानी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाइप जोड़ दी, ठीक है, पाइप का कनेक्शन कर दिया। तो अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि अभी पानी यहाँ से यहाँ आएगा या फिर इस साइड से इस साइड में आएगा, यानी कि ए टैंक ये है, ये हमारे पास बी टैंक है, तो पानी कहाँ से आएगा, ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है, इस चीज़ के बारे में बताने की बात ही नहीं है कि पानी हमारे पास जो ए है, ए से में ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी यहाँ पर क्या है, बी में आएगा। ये सभी को पता है, यानी कि ए से बी में पानी जाएगा, यानी कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा ज़्यादा में से क्या है, कम में जा रहा है पानी, हमेशा ज़्यादा से क्या है, कम में जा रहा है। यही हमारे पास यहाँ पर करंट की बात होती है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसे पानी बहता है ना, इसी तरह से करंट भी बहता है, ठीक है। जैसे पानी इसके अंदर से बहेगा, इसी तरह से हमारे पास करंट भी बहता है। करंट कैसे, देखिए, ज़्यादा वोल्टेज किस में है, पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है। आप बोलोगे जी पॉजिटिव में हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट है वो क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन रहती है, पॉजिटिव से किस में रहेगी, नेगेटिव में रहती है, ठीक है ना। ये बात आप सभी ध्यान रखोगे तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास डायरेक्शन रहेगी करंट की, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगा, नेगेटिव के अंदर जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट हमेशा, आप ध्यान रखिए, धारा हमेशा उच्च विभव, ठीक है। अब बच्चों को नहीं पता होता, अभी काफ़ी बच्चों को विभव क्या होता है मैं बताऊंगा, एक वर्ड बताऊंगा इतने में आप समझ जाओगे विभव क्या होता है। उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, करंट हमेशा उच्च विभव से क्या है, कम विभव की ओर हमेशा फ्लो होता है, प्रवाह होता है। अब विभव क्या है, बस छोटी सी बात आप अलग से लिख सकते हो, विभव हमारे पास क्या होता है, आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया था वोल्टेज के बारे में, बस वोल्टेज को शुद्ध हिंदी में विभव बोलते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज को शुद्ध हिंदी में विभव बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो, धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाता है, बस ये बात है, लेकिन ये विभव जरूरी है, एग्जाम में ज़्यादा विभव लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए यहाँ तक,
अच्छी तरह से आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ भी आया होगा यहाँ तक तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट रहेगा इसी के अंदर, धारा की हम बात कर लेते हैं। तो धारा हमारे पास क्या होता है, धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। धारा एक क्या होती है, धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको। अदिश होती है हमारे पास राशि, एक होती है सदिश राशि, दो राशियाँ होती है, अदिश राशि एक सदिश राशि। साइंस में आप पढ़ते हो वेक्टर और स्केलर, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, जिसके अंदर क्या दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। डिटेल से मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया होगा। तो आज के लिए रहेगा हमारे पास इतना ही सेशन, ठीक है। धीरे धीरे मैंने आपको पहले ही बोला था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे धीरे हम टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ भी आएगा। दावा ये है भी एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लीजिए आपको जितना भी करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए है, समझ लीजिए कम से कम 90% मैटर आपका बेहतरीन टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका थ्योरी के अंदर इंटरेस्ट बन जाएगा, इंटरेस्ट बनना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के अंदर। अगर कोई भी टीचर आपका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बना देता है ना, तो बिल्कुल क्या है उसकी बात सब कुछ सही रहेगी, फिर उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा बच्चे का। इंटरेस्ट बनना ज़रूरी है हर एक चीज़ के अंदर, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो वो आप समझ लीजिए भी आप कामयाबी की तरफ क्या है बढ़ रहे हो, ओके। तो आज के लिए रहेगा हमारे पास इतना ही सेशन। नेक्स्ट हम कल करंट के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी करंट छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी थ्योरी के अंदर हम करंट ही करंट की बातें करते हैं। ये पूरी जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर करंट कहीं पर जा रहा है, कहीं मोटर के अंदर, कहीं जनरेटर के अंदर, कहीं ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, कहीं बल्ब के अंदर, करंट ही करंट की बातें करते हैं। तो पहले करंट के बारे में देख तो लें भी करंट है क्या हमारे पास असली चीज़ें, ठीक है। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहा है या फिर कोई अलग से आप डाउट भेज सकते हो, तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आप मुझे भेजोगे अलग से आप देख के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा इससे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे अलग रहेगा। आप सभी को मैंने पूछा है कि धारा की सीजीएस इकाई क्या होती है, ठीक है ना। आप सभी को बतानी है धारा की सीजीएस इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी बायोट, ऑप्शन सी कुलाम बटा एम्पियर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है ये, एक मिनट, ऑप्शन डी हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा स्टेट एम्पियर, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है धारा की सीजीएस इकाई क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।